फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनिका। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। भाई, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, सब अपना ध्यान रखो, घर पे रहो और साथ में ओटीटी पे जो कुछ भी आ रहा है उसे इंजॉय करो, क्योंकि अब थिएटर्स पे तो पता नहीं कब तक फिर से कोई मूवी रिलीज नहीं होने वाली है, तो हम सब फिर से ओटीटी के सहारे बन चुके हैं। अब डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे मूवी आई है जिसका नाम है अन्नाबीरवु। ये मूवी तमिल में मेनली रिलीज़ हुई थी, पर ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में आ चुकी है, मतलब कन्नड़ा में है, तेलुगू में है, मलयालम में है। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है और इस मूवी में क्या है देखने लायक, ये सब आपको मेरा रिव्यू एंड तक देखने के बाद पता चलेगा। और उसके पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ मूवी अन्नाबीरवु के बारे में। इस मूवी का नाम जो है ना, एक्चुअली वो नाम ही ऐसा रखा गया, एक्चुअली अन्नबा एक हीरो है और अरिवु एक और हीरो है, मतलब ये दोनों ट्विन ब्रदर दिखाए हैं। और ये कौन है? ये है हिप हॉप तमीजा। ये बंदा यहाँ पे अन्नबा और अरिवु, अन्नबा अरिवु दोनों ट्विन भाई का, मतलब ट्विंस का रोल प्ले कर रहा है। अब मूवी में क्या है तो मैं बताती हूँ। मूवी में तो मैं सही बोलूँ तो मुझे एक लाइन में अगर बताऊँगी तो ऐसा लगा कि मूवी ना मस्ट वॉच है ना वन टाइम वॉच है, ये टाइम पास मूवी है। अगर कुछ नहीं है करने को तो ये मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पे साई कुमार जो कि प्रकाशम का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी, जिसको अंडररेटेड एक्टर माना जाता है, उसकी ही एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी दिखी। तो आप सोच सकते हैं कि मूवी में एक्टिंग किस लेवल की हुई है। तो मूवी में एक्टिंग ओके सी थी। तो मैं बता देती हूँ स्टोरी के बारे में अब थोड़ा सा। अब जो प्रकाशम है, उसके जो फादर इन लॉ हैं, मतलब ससुर जी, यहाँ पे प्रकाशम क्या है, ये दो गांव की कहानी है जहाँ दो गांव के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, क्यों, जातिवाद एंड ऑल को लेके। बट ये चीज़ क्लियरली मूवी में नहीं दिखाई गई है। और उसमें जो उसके फादर इन लॉ जो मेन, मतलब बड़े हेड बने हुए हैं गाँव के, वो इसको प्रकाशम को अपना, मतलब क्या है कि बेटी को लव मैरिज करनी रहती है, तो वो जाके मैरिज कर लेती है, कोर्ट मैरिज, तो भाई ससुर जी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर वो उन्हें घर जमाई बना के रख लेते हैं। घर जमाई बनाने तक ठीक था। प्रकाशम का एक दोस्त भी दिखाया जो कि पशुपति है। पशुपति को ये बात क्या है कि हजम नहीं हो रही होती है, क्योंकि दोनों दोस्त थे और एक ऊपर बढ़ता जा रहा है, एक नीचे रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो पॉलिटिक्स में उसे टिकट मिल जाएगी, पर वो भी नहीं होने को हो रहा होता है, क्योंकि वो प्रकाशम को देना चाहता, ऑब्वियसली अपने घर जमाई को देगा वो, पर उसको वो भी हजम नहीं होता है। तो इसी वजह से वो इस परिवार में डाल देता है फूट, कहीं से घुमा के, मतलब गंदी डर्टी पॉलिटिक्स जो होती है वो घर पे कर देता है, और उस वजह से प्रकाशम को घर से निकाल दिया जाता है। तो अरिवु को लेके, मतलब दो भाई हो चुके थे जुड़वा, तो अरिवु को लेके प्रकाशम चला जाता है और अन्नबा यहीं अपनी माँ के पास रह जाता है जो कि लक्ष्मी है। अब वो यहाँ पे गाँव में रह गया है और अरिवु बड़ा मतलब पला बड़ा सब कुछ हुआ वहाँ पे, पला तो नहीं हुआ, मतलब बड़ा वहाँ पे कनाडा में हुआ है वो, तो वो बिल्कुल यंग कूल डूड टाइप, और उसको इतना कुछ पॉलिटिक्स आता नहीं है। फाइनली एज यूजुअल मूवी में क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएंगे और प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ये कोई नई स्टोरी नहीं थी, मतलब ऐसी स्टोरी हम लोग ने बहुत सारी मूवीज़ में ऑलरेडी देखी हुई है। कुछ भी मुझे नयापन नहीं लगा मूवी में, काफ़ी मतलब प्रिडिक्टेबल स्टोरी थी। एक्टिंग भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मुझे एक्टिंग तो सबसे अंडररेटेड एक्टर की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है, तो बाकी लोगों की एक्टिंग कैसी होगी। और अन्नबा और अरिवु जो दो रोल प्ले कर रहे हैं, इतनी ओवर एक्टिंग लग रही थी, मतलब मुझे ऐसा मूवी से अटैच नहीं हो पाई देखते टाइम पे, ऐसा लगा बस हाँ देखनी है करके देख ली और रिव्यू देना है आप लोगों को, सच बताना है इसलिए देख लिया। तो मूवी वॉज जैसा मैंने कहा टाइम पास मूवी। आपको कुछ काम नहीं अभी, मतलब काम तो लोगों को बहुत सारे होंगे घर पे, पर अगर बोर हो रहे हो तो ये मूवी ज़रूर देख सकते हो। BGM ओके है, सॉन्ग्स तो ठीक ही ठाक थे, सब कुछ मतलब एवरेज ही था, ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। सो ओके, मैंने तो सच रिव्यू दे दिया है, अब आप भी मुझे सच रिव्यू देंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगता है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।